हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। बलिदान सहित भेंट। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 20 उसकी 35 आयत में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। मेरे प्रियो, जब आप बोते हैं तो आपके बोने में बलिदान होना चाहिए। यहोवा पिता ने जब प्रभु यीशु मसीह को बोया तो यीशु मसीह भी इकलौते थे जो सबसे सुंदर और उत्तम है। परमेश्वर ने भी बलिदान दिया था। निर्गमन अध्याय 8 उसकी 1 आयत में लिखा है कि तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिसमें वो मेरी उपासना करें। उस समय इसराइली मिस्र में बंदी थे, गुलामी में थे, गरीबी में, श्रापों में और तंगी में थे, और वो छुटकारा पाना चाहते थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें छुड़ा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मेरे लोगों को छुड़ाकर अलग ले जा ताकि वो मेरी आराधना और उपासना करें। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में, बीमारी में या घटी में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अपने विश्वास को कभी भी कम नहीं होने देना। आपको अपने विश्वास में बने रहना है। जब भी आप बोते हैं आपको उसमें परमेश्वर के लिए मूल्य अदा करना है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के लिए बोते हैं जिसने अपने आप को भी बो दिया था। अगर आप ध्यान दें तो पाप आसानी से मिल जाता है। आप आसानी से पाप अपने गोद में ले सकते हैं। आप फोन उठाओ तो उसमें पाप है, हर जगह पर पाप है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है जो कि पवित्र है, तो उसके कामों में हमेशा अतिरिक्त प्रयास लगता है, क्योंकि हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि शैतान और अंधकार की शक्तियों के साथ है। जो भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो उससे पहले हम शैतान के साथ मल युद्ध करते हैं और फिर हम बोते हैं और वो प्रभु के कामों में लगता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हारे बीज हैं वो बलिदान सहित होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी और पवित्र है जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी उसकी चौकी है। दूसरा शमूएल अध्याय 24 उसकी 18 आयत में लिखा है कि उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनवा। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दाऊद को कहा, जाकर अरौना यबूसी के खेत में यहोवा की एक वेदी बनवा, क्योंकि मैंने उसे अभिषिक्त किया है। और जैसे ही दाऊद वहां जाता है तो अरौना ने दूर दृष्टि करके कहा कि प्रभु का दास दाऊद मेरे पास आता है, तो वो भागकर उसके पास जाता है। दाऊद ने उसे कहा कि तू मुझे अपने खेत दे ताकि मैं उसमें होम बलियों और मेल बलियों को चढ़ाऊं और परमेश्वर मेरे लोगों पर से हर तरह की विपत्ति और संकट को खत्म कर सके। तब अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। होम बलि के लिए मेरे पास बैल है, आग जलाने के लिए मेरे पास बहुत सा सामान है, तो तू इसे ले ले। दाऊद ने कहा, जैसा तूने मुझे सेहत में दे दिया है तो मैं ऐसे कैसे परमेश्वर के सामने बोल सकता हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, अनुग्रह किया, तो उसे कैसे मैं मुफ्त में दूं। तो उसने दाम देकर खेत और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया और वेदी बनाकर परमेश्वर के लिए उस भेंट को चढ़ाया। तब यहोवा ने उनकी विनती सुन ली और उन्हें हर तरह की महामारी से बचाया। वैसे ही जब आप भी परमेश्वर के लिए बोते हैं तो परमेश्वर आपको हर तरह की महामारी, गरीबी और शर्मिंदगी से छुटकारा देता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मैं आपके लिए मूल्य अदा करके बोऊं और हर तरह की बीमारियों और श्रापों और गरीबी से बचा रहूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।